अरे गलत बात कर रहे हैं, वो तो है ही, उसमें तो कोई सर्वे करने की जरूरत नहीं, जो 18 लाख है वो तो है ही। उसके अतिरिक्त तो जो 12 अभी 2021 में गणना कराना था, तो जो 12 साल में जो और नए हितग्राही हो गए हैं, तो ओम माथुर जी से कहना चाहूंगा क्या वो नए हितग्राही मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? और ये सर्वे तो उसी को होगा ना, उज्ज्वला भी होगा, शौचालय भी होगा। हम कोई आर्थिक सर्वेक्षण नहीं करा रहे हैं, ना हम जनगणना करा रहे हैं, हम तो उन हितग्राहियों से जो वास्तविक पात्र हैं उनको लाभ मिलना चाहिए, उससे सहमत है कि नहीं सहमत है ये बता दीजिए। मतलब मुझे दे दें, मैं तो विधानसभा में बोला हूँ, रिकॉर्ड बोला हूँ, वो जितने आवेदन है दे दीजिए, मैं वेरिफिकेशन कर लेता हूँ। क्यों नहीं दिए? हमने जब भी आवेदन किया, जब भी फॉर्म भरवाए, सबको राज्यपाल को दे दिए थे। दिए थे कि नहीं दिए? आपको याद होगा, गाड़ी में भर भर के ले गए थे लाखों आवेदन। मैं आप इससे भी कह रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी के पास जितने आवेदन है, जो मिस्ड कॉल करके कराए हैं, उसको सबको दे दो, लेकिन उस मामले में मौन है। अरे एक चीज बताइए आप, पहला हस्ताक्षर किस बात का करेगा? अभी तो चल ही रहा है, हम तो 3200 करोड़ रुपये रख ही दे दिए बजट में, फिर किस बात का रखेंगे? हम तो सर्वे करा के नए लोगों भी देंगे क्रमबद्ध ढंग से। और दूसरी बात यह है कि नंद कुमार साय जी हमारे बहुत वरिष्ठ नेता हैं, लेकिन उसके बाल नहीं कटाने की चुनौती किसने दी? राम विचार नेता। हमने गजब है भाई, राम विचार नेता हम खुद कसम खाते समझ आता, नंद कुमार साय की कसम खिलवा दिए, और उस भोले भाले को उस समय भी निपटा दिए थे, जाके मरवाही में अजीत जोगी से चुनाव लड़वा दिए, नेता प्रतिपक्ष निपट गए, रमन सिंह मुख्यमंत्री बन गए। तो ये कार्ड की हांडी बार बार नहीं चढ़ने वाला है।